हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के इतिहास का सीबीएसई द्वारा जो सैंपल पेपर जारी किया गया है उस सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 34 तक हल करने वाले हैं, वो भी हिंदी माध्यम में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप सभी को इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ज्यादा कमेंट्स प्राप्त होंगे दोस्तों तो हम इसका जो है पीडीएफ जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो पहला क्वेश्चन जो है 22वां नंबर का वो है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी अगर हम बात करें तो उसकी जल निकासी प्रणाली है, और जल निकासी प्रणाली की विशेषताओं से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसका उत्तर है दोस्तों, जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं। यहां से आप इसको उत्तर देख सकते हो, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिलहाल 3 नंबर में पूछा गया, लेकिन इस क्वेश्चन को बाद में 6-8 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी को क्वेश्चन में अथवा जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से, यानी हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, वो भी क्वेश्चन इसी में पूछा गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23, उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बनने में सहायता पहुँचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी अथवा में है कि मगध किस प्रकार सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, वर्णन कीजिए, अथवा आधुनिक इतिहासकारों ने मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद किस प्रकार बताया, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी प्रकार से पूछा गया, और इसको कई प्रकार से पूछा जा सकता है। पहले ही पूछा गया है 2017-18-22 में, और साथ साथ 2023 में भी सिंपल पेपर सीबीएसई ने क्वेश्चन को दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मगध साम्राज्य अधिक शक्तिशाली क्यों था। तो सबसे पहले मगध का प्रदेश बहुत ही उपजाऊ था, मगध क्षेत्र में लोहे खदान थे जिनका प्रयोग हथियार बनाने में किया जाता था, जंगलों में हाथी मिलते थे जो सेना के लिए महत्वपूर्ण थे, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबसार तथा अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध के विस्तार में सहायता पहुंचाई थी। मगध की राजधानी राजगृह किलेबंद था, सुरक्षित थी, और मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र की गंगा के माध्यम से आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण रूप से स्थित थी। तो इसलिए जो है ये सब कारण थे जिसकी वजह से मगध साम्राज्य जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया था 16 महाजनपदों में। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि 18वीं शताब्दी से वर्नियर के विवरणों ने यूरोपीय लेखकों को प्रभावित किया, इस कथन के समर्थन में तर्क दीजिए, अथवा बर्नियर के शाही भूस्वामित्व के विवरण ने पश्चिमी विचारकों जैसे कि फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू और जर्मन कार्ल मार्क्स को प्रभावित किया, इस कथन के न्याय संगत पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमने दे रखा है, तो ये कंप्लीट आपको कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिए, ज़्यादा जाकर 500 लाइक्स इस वीडियो पर आ जाते हैं तो सिंपल इसका जो है पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट कर लेनी है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। कंप्लीट उत्तर है, 3 नंबर में पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन भविष्य में पेपर में 8 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों को लोगों के लिए व्यापक अवसर से भरपूर पाया। ठीक है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, दिल्ली शहर के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करनी है। ठीक है, सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको लिख लेना है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर शहर की जल संपदा, यानी विजयनगर के जल जो संपदा है उसकी विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। इसमें जल संपदा के लिए बंदी और सड़कों की विवेचन कीजिए। तो जल संपदा के बारे में अगर हम बात करें तो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर जो है तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक द्रोणी है, और यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। जल ठीक है, जल से भूदृश्य पर ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट कर लेनी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण किया गया था 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, जिसे आज कमलमपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था बल्कि इसे एक नहर द्वारा राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। हिरिया नहर सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधित संरचनाओं में से एक थी। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर कंप्लीट कर दी गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोरदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था, अथवा
गांवों में जोदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली कैसे होती थी, स्पष्ट कीजिए। अथवा 18वीं शताब्दी के आखिर में बंगाल में जोदारों ने जमींदारों के अधिकारों को निसंदेह कमजोर कर दिया, कथन पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इससे पहले भी 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 19 में, 17, 18 में और 2023 में भी सीबीएसई ने इसे सैंपल पेपर में दे दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हमेशा आपको करना ही करना है, मस्ट डू क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको आपको करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ये कंप्लीट उत्तर यहां पर दोस्तों हमने दे रखा है, इसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है, आसानी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको नोट डाउन भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विस्तार एवं प्रसार में अफवाहों और भविष्यवाणियों की क्या भूमिका रही, विवेचना कीजिए। अथवा 1857 के विद्रोह के दौरान अफवाहों और भविष्यवाणियों के माध्यम से लोगों को खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था, इस कथन की परख अफवाहों इन पर विश्वास करने के कारणों के साथ कीजिए। 2017 में भी दिया गया है और 2023 में क्वेश्चन सीबीएसई से सैंपल पेपर में दिया है दोस्तों। तो इसके ऊपर उत्तर अफवाहों के माध्यम से जो उत्तर है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर संबंधित संलिखित की गई हैं, अब इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा आपको कर लेना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक, इसी आधार पर दोस्तों जल्द ही हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके सभी के सामने लेकर आएंगे, जहां हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, जो हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पिछली बार भी आया था सभी क्वेश्चन उसी में से, इस बार भी पूरी गारंटी देते हैं कि सभी क्वेश्चन उसी में से आएगा, उसी से बाहर क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, इसको आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन का एक अच्छा साधन है, उचित तर्क देकर इस क्वेश्चन की पुष्टि कीजिए। तो ये चीज़ भी आपको कर लेनी, महाभारत से जो चैप्टर नंबर 3 आपका वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों आप सभी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल की आईने अकबरी हमें मुगल काल के किन किन पक्षों की जानकारी देती है। तो आईने अकबरी से क्वेश्चन, अकबर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो आईने अकबरी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर में आएगा। मुगल सम्राट से दोस्तों 8 नंबर तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पूरी पूरी कर लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सारे कंप्लीट उत्तर दोस्तों, सारा जो उससे क्वेश्चन बन सकता है और आने वाले और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, सारा मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे। अथवा ये क्वेश्चन 2018 में पूछा, 19 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया, सीबीएसई ने सैंपल पेपर में से जारी कर दिया है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप बेकायदा देख सकते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये पंचायतों का गठन कैसे होता था, मुगल काल में गांव की पंचायत गांव के बुजुर्गों की सभा होती थी और प्राय वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। जिन गांवों में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे वहां पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। ये सारी चीज़ आपको कर लेना है। पंचायत का मुखिया, पंचायत के मुखिया को मुकदम या मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से प्रतीत होता है कि मुखिया का चुनाव गाँव के बुजुर्ग की आम सहमति से होता था और चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने पद पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा होता था। ठीक है, भरोसा ना रहने पर बुजुर्ग उसे हटा सकते थे। गांव के आय व्यय का हिसाब किताब अपनी निगरानी में तैयार करवाना मुखिया का मुख्य काम था। ये सारी चीज़ आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर का, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने की परिस्थितियाँ कार्यक्रम महत्व को समझाइए। तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया, महत्व पूछा गया। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दोनों क्वेश्चन को उत्तर यहाँ पर मैंने संलग्न कर दिया, आप उसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे आप लिख भी सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को पोस्ट करके। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर हैं। ठीक, देख सकते हैं। सारे यहाँ पर ऐड कर रखा हमने। ठीक है, आंदोलन का महत्व, ठीक है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा अथवा जो क्वेश्चन था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के यहाँ पर हमने महत्व भी शामिल कर दिया दोस्तों, ये रहा। ठीक है, ठीक, तो ये रहा दोस्तों
सभी 22 लेकर 34 तक के क्वेश्चन आंसर, 31वां और 32वां, 33वां, 34वां, 34वां जो है मैप आधारित क्वेश्चन दोस्तों, और बाकी जो है आपका निबंध आधारित क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।